भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,68,063 नए केस मिले हैं। हालांकि ये थोड़ी राहत की बात है। दरअसल सोमवार की तुलना में ये केस 6.5% कम आए हैं। सोमवार को देश में कोरोना के 1.79 लाख केस सामने आए थे। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 3,58,75,790 केस सामने आ चुके हैं और देश में ओमिक्रोन के केस बढ़कर अब 4,461 हो गए हैं। भारत में सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहां पिछले 24 घंटों में 33,470 केस सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 19,286 केस, दिल्ली में 19,166 केस, तमिलनाडु में 13,990, कर्नाटक में 11,698 केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल केसों में 58.08% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अकेले 19.92% केस मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 277 लोगों की मौत हुई है और अब तक कोरोना महामारी से भारत में 4,84,213 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें केरल में यानी 166 हुई है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना से 17 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले बढ़कर 4,400 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ओमिक्रोन के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 हो गई है। ओमिक्रोन अब तक देश के 28 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।